नमस्कार, इस वक्त मणिपुर से सबसे बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए मणिपुर में केंद्रीय बलों की 90 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया है। मुख्य सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को घोषणा की। सिंह ने कहा कि पिछले साल मई में जातीय हिंसा भड़कने की बात से सुरक्षा बलों ने भीड़ और अन्य समूह द्वारा लूटे गए 3000 हथियार बरामद की है। सिंह ने आगे ये भी जानकारी दी कि अतिरिक्त बलों को संवेदनशील सीमांत और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्राथमिक ध्यान जान माल की सुरक्षा पर है, जबकि चोरी हुए हथियारों और गोला बारूद को बरामद करने के लिए अभियान जारी है। टू प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स, वी विल बी मेकिंग फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स। वी विल बी मेकिंग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन सेल एंड ज्वाइंट कंट्रोल रूम इन ईच डिस्ट्रिक्ट, एज वेल एज व्हाटएवर ज्वाइंट कंट्रोल रूम and coordination apparatus is already functioning in the state, we have reviewed that also. Number of SOPs have been prepared for deployment of forces, for coordination, for functioning, for fringe area security, for national highway security, and for any other important point which is to be taken care of. सेना, असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और मणिपुर पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया और कई मानक संचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया गया। सिंह ने यह भी पुष्टि की कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उसे सौंपी गई मामलों की जाँच शुरू कर दी है। मैं मन्ना संगमा, आपकी अपनी लठवा न्यूज से ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।